What is up guys, welcome back to my channel, welcome back to yet another video. आज का वीडियो थोड़ा स्टोरी लाइन टाइप से होने वाला है. अभी रिसेंटली हमने एक म्यूजिक वीडियो शूट किया था विथ माई फ्रेंड 15 ए के कुणाल पाल और मैडी ए के ए क्या नाम है उसका, हम तो उसको मैडी के नाम से जानते भाई, उसका असली नाम मुझे भी नहीं पता. 15 भाई ने जो रैप लिखा वो एक्चुअली एक डिस ट्रैक था म्यूजिक लेबल के लिए, उसका नाम नहीं लूंगा मैं. वो कुणाल भाई के कंप्यूटर में थोड़ा सा वो इशू आ गया था सॉफ्टवेयर का, तो सब कुछ रिकॉर्ड मैंने अपने ही लैपटॉप पे और माइक से करा दिए. इधर जब रिकॉर्ड किया था इस रूम में, अभी आप देख सकते हो कितना नॉइस है, कितना डिस्टर्बेंस है गाड़ियों का, हॉर्न्स का. तो फिर उसको रिकॉर्ड किया था कुणाल भाई के घर में. अब वो रिकॉर्ड कैसे किया था, उधर बूम आर्म लगाने के लिए, ये जो रहता है ना, जो आम देख आप देख रहे हो जो स्टैंड, इसे कहते हैं बूम आर्म. इस बूम आर्म को लगाने के लिए उधर कोई जगह नहीं थी, तो हमने इस तरह से, आप देख सकते हैं इस क्लिप में, इस तरह से हमने माइक को अरेंज किया. फिर कुणाल भाई ने ये रिकॉर्डेड ऑडियो देवजीत भाई के पास मिक्सर मास्टर करने के लिए भेज दिया. अब देवजीत भाई एक म्यूजिक कंपोजर है, उन्होंने म्यूजिक देकर और भाई का ऑडियो मिक्स एंड मास्टर करके अच्छे से कंपोज करके एक सॉन्ग बनाया. अब उसके बाद करना था हमको शूट. अब शूट करने के लिए मैंने बोला यार कोई भी कैमरा जमा दो, फोन से बेटर ही होगा. फिर 15 भाई के दोस्त ने कैमरा जमा के दे दिया, और वो कैमरा था कैनन 6D Mark II, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कैमरा है, 2.25 लाख का आता है. तो आप सोच सकते हो सिर्फ बॉडी लेंस अलग से, और हमने जो लेंस यूज की थी वो थी 24-105mm की, वो कैनन की लेंस बहुत तगड़ी लेंस है और वो लगभग 1 लाख रुपए की आती है. तो फिर शूट के एक शाम पहले भाई ने कैमरा अरेंज करके दिया. फिर मैंने रात भर उस कैमरे के साथ पूरा वक्त बिताया, कैसे मतलब मैं फोन से शूट करता हूँ तो मुझे कैमरा का उतना हैंडलिंग आता नहीं था. तो फिर मैंने रात भर मैं उस कैमरे को सीख लिया, कैसे आइडिया था कि कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था. पूरी रात भर मैंने कैमरे के साथ अच्छा सा रोमांस किया और भाई वी आर कपल्स. बट प्रॉब्लम ये था उसके साथ जो मेमोरी कार्ड हमको दिया था वो था 4GB का. चलूगा जाओ दे, तू लाओ बरा दंगा ना, मले सीरियस राव दे थोड़ा सा. तो सीरियस एक म्यूजिक वीडियो शूट करना है वो भी 4GB के मेमोरी कार्ड से, और वो जो मेमोरी कार्ड था वो काफ़ी स्लो था, मुझे भी नहीं पता किस कंपनी का था, अच्छे से देखा नहीं, बट वो काफ़ी स्लो मेमोरी कार्ड था. तो फिर हम 1080p में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे. फिर हमने क्या किया, जो पूरा म्यूजिक वीडियो है हमने 720p में रिकॉर्ड किया. अगर आपने वो म्यूजिक वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो उसकी क्वालिटी, और उसके 720p की क्वालिटी हमारे इस कैमरे के 1080p की क्वालिटी से लाख गुना बेटर है. फिर हम शूट के लिए निकल गए, और वो कैमरा हमारे पास सिर्फ एक दिन के लिए अवेलेबल था. ओके, और हमको शूट करना था एक कार में, और जब हम शूट के लिए निकल गए तब पता चला कि कार अरेंज नहीं हो पा रही थी और हमारे पास कैमरा सिर्फ आज के लिए था. सो हमने काम किया कि जितने भी बैकअप शॉट्स हो सकते हैं हमने मेरे इस रूम में और भाई के स्टूडियो के टेरेस पर शूट कर लिया, ताकि हमारे पास एक अच्छा सा बैकअप रहे इस कैमरा से शूट किया हुआ. मुझे करना क्या है? अरे भाई भाई भाई, एंग्री एंग्री तो करने दे भाई. भाई तू फेमस होने वाला भाई, तू फेमस होने वाला भाई. ठीक है, हाँ. ये कुत्ते का कोई मीम बनाओ यार. तो नेक्स्ट डे हमारे पास कार तो अवेलेबल थी, बट हमारे पास कैमरा नहीं था. सो हमने जितना भी शूट किया वो एक स्मार्टफोन पे शूट किया, भाई के रियलमी 7 से. फिर हमारे पास जो कार के शॉट्स थे वो एक्चुअली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा क्वालिटी में, बट एक्चुअली कार वाले जो शॉट्स थे उसी टाइम पे कैमरा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वो जिस टाइम पे हमने शूट किया था वो ट्वाइलाइट था, मतलब इवनिंग का टाइम था, और इवनिंग के टाइम पे फ़ोन के कैमरे से पूरी फटी में जाती है भाई, मजाक नहीं कर रहा. उसी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा आर्टिस्टिक लुक देने के लिए कुछ इफेक्ट्स डाले, ताकि फ़ोन की जो फटी क्वालिटी थी वो थोड़ी छुप जाए. इसलिए मैंने उसको थोड़ा आर्टिस्टिक और हिप्पी टाइप का लुक देने की कोशिश की, एंड देन मैंने उसको एडिट किया, और रेस्ट इज हिस्ट्री. इस बार मैंने स्टोरी टाइम वाला वीडियो बनाया, ताकि आपको हर बार नया कंटेंट मिलता रहे, मतलब व्लॉग्स को और किस किस फॉर्म में बना सकते हैं. ट्यूटोरियल्स बना दिए, फनी व्लॉग्स बना दिए, टाइम पास व्लॉग बना दिए, इंफॉर्मेटिव व्लॉग बना दिए, हर टाइप के व्लॉग बना दिए, बट मैं बोला ये स्टोरी टाइम भी ट्राई कर लेते हैं. एंड या टुडे वी कंप्लीटेड 20 व्लॉग्स, ये अपना 20th व्लॉग है. सो अपना 2/3 पार्ट कंप्लीट होता है, और बस 10 व्लॉग्स टू गो, देन वी विल कंप्लीट आवर व्लॉग चैलेंज. ओके, सो यही था आज की वीडियो में. होप्स आपको वीडियो पसंद आया. लाइक शेयर कमेंट, डू एवरी पॉजिटिव फॉर्मेलिटीज यार, शेयर करो इस वीडियो को, एंड ट्राई टू सर्च माई चैनल ऑन YouTube. और जो लोग सर्च करके भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट भी करना, ताकि YouTube एल्गोरिदम हमें सपोर्ट करे, एंड इट्स वेरी नेसेसरी कि रीच बढ़े. सो पीस.